70 के दशक की वो हीरोइन जिसने मजबूरी में इंडस्ट्री में रखा कदम और आते ही बाकी हीरोइनों की छुट्टी कर दी, वो थी रेखा। रेखा हमेशा ही अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में बनी रही। उनकी जिंदगी इतनी दिलचस्प थी कि हर कोई जानना चाहता था वो क्या करती हैं, कैसे रहती हैं और किसे चाहती हैं। उनके लाखों फैंस रेखा की एक झलक के लिए तरसते रहते थे और जब रेखा का कोई इंटरव्यू आता था तब वो कई महीनों तक मीडिया के फ्रंट पेज पर रहता था। आज हम वैसे ही इंटरव्यू के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके एक बयान से हंगामा खड़ा हो गया था। अभिनेत्री रेखा, जो अपने बोल्ड अंदाज और दिलकश अदाओं के लिए जानी जाती हैं, रेखा का जीवन मुश्किलों से घिरा हुआ था। अक्सर रेखा को लेकर कोई ना कोई विवाद खड़ा हो ही जाता था। ऐसा दौर था जब आए दिन रेखा के बारे में कोई ना कोई अफवाह उड़ती रहती थी। रेखा ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो इंडस्ट्री में आई थी तब उनके रंग और बॉडी को लेकर खूब बातें उड़ती थी। लोग उन्हें कहते थे कि ये काली और मोटी लड़की कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपने काम से सबको हैरान कर दिया था। फिल्म दो अनजाने में रेखा को सिगरेट पीने का सीन करना था। जैसे ही उन्होंने सिगरेट हाथ में ली उन्हें खांसी आ गई, तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें सिगरेट पीना सिखाया। अमिताभ के सिखाने के बाद रेखा ने सिगरेट का सीन किया था। सिमी ग्रेवाल के साथ रेखा ने इंटरव्यू में इस बात की हामी भी भरी थी कि उन्हें सिगरेट, शराब और ड्रग्स की लत थी। रेखा ने बताया था कि वो ऐसा दौर था जब मैं बुरी आदतों का शिकार थी। उन्होंने अपने जीवन की परेशानियों के समय ऐसा कदम उठाया था। जब रेखा का ये इंटरव्यू सामने आया तब लोगों ने सिगरेट की बात को अमिताभ बच्चन संग जोड़ दिया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अमिताभ की जुदाई में रेखा ने शराब और सिगरेट पीना शुरू किया है। फिलहाल इस किस्से के बारे में आप क्या कहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।